नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, अभी हम लोग केस काल में हैं और आज मैं आप लोग को टाटा मारी लेकर के जाने वाला हूं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं टाटा मारी में क्या खास है, और उससे पहले इस घाटी को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का सबसे खतरनाक घाटी केस काल घाटी, जिसमें टोटल दोस्तों 10 मोड़ है लेकिन हमारा PSC 12 लेता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं टाटा मारी। दोस्तों टाटा मारी जो है हमारे भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। छत्तीसगढ़ का जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH 30, वहाँ से एक रास्ता कटता है, आप वहाँ जा सकते हैं दोस्तों। और हमारे रायपुर से जैसा कि आप लोग को बताया वो ये 150 किलोमीटर है। कांकेर से अगर आप जाएंगे तो लगभग 30 किलोमीटर पड़ता है, और ये कोंडागांव जिले में आता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। रास्ते में आप लोगों को तेलिन शक्ति माता का मंदिर मिलेगा, और इस मंदिर का मान्यता है कि अगर आप लोग घाटी को सुरक्षित ढंग से चढ़ना चाहते हो तो यहाँ एक बार माथा टेकना या हॉर्न बजा दो या कुछ भी करो, प्रणाम करके ही आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये टाटा मारी का प्रवेश द्वार है, यहाँ पर आपको अपना नाम और एड्रेस ये सब लिखवाना पड़ेगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो आप लोग को 25 सड़क जाना पड़ेगा। NH 30 के बाद भी आप 25 सड़क से ही होकर के आगे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अर्धनारेश्वर शिव और पार्वती जी का मूर्ति स्थापित है, और ये मूर्ति बहुत ही खास है दोस्तों। जैसा कि आप लोग वो सामने बोर्ड में है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, यदि आपकी कोई भी इच्छा हो, आप लोग को क्या करना है, एक श्रीफल या तीन श्रीफल मतलब नारियल लेकर के आना है, यहाँ पर अपना हाथ रखना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर आसन है, इस पर आसन की मुद्रा में आप बैठ जाइए, और जो भी आपका इच्छा है उसको बोलिए, वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाएगा, ऐसी मान्यता है, और ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ भी है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आएँ तो अर्धनारेश्वर के पास आइए, अपनी इच्छा को बोलिए, उसकी पूर्ति ज़रूर हो जाएगी दोस्तों। दोस्तों जब आप लोग टाटा मारी के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप लोग अगर नाश्ता करना चाहते हैं तो यहाँ पर नाश्ता सेंटर भी अवेलेबल है, थोड़ा मार्केट से थोड़ा सा महंगा लगेगा आपको, जैसे 5 रुपये का ही फ़र्क रहता है, उससे ज़्यादा का फ़र्क नहीं रहेगा। आप लोग को यहाँ पर नाश्ता भी अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये नाश्ता सेंटर है जो आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर हर चीज़ आपको लगभग सारी चीज़ें, नाश्ता की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक रिसॉर्ट भी है, आप चाहें तो रिसॉर्ट में रह सकते हैं। ये दोस्तों टाटा मारी का बेस्ट व्यू, इसको आपको चढ़ने के लिए एक सीढ़ी भी है, वहाँ पर आप चढ़ जाइए और वहाँ से आप टाटा मारी का बेस्ट व्यू देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत जगह है, यहाँ पर आइए और प्राकृतिक का जो सौंदर्य है बहुत ही अच्छे से देखने को मिलता है। ये जनरली जो कांकेर में जो पहाड़ हैं दोस्तों वही टाटा मारी से हमको दिखती हैं। मुझे वीडियो से दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, यदि कभी भी आपको समय मिले तो टाटा मारी आइए दोस्तों, ऐसे प्राकृतिक जगह को देखने के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है, आपका मन बहुत ज़्यादा शांत हो जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ जो मंदिर है बहुत अच्छा मंदिर है, इच्छा पूर्ति वाला मंदिर है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमको बहुत दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। थैंक यू।